हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ गौड़ फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर हाजिर हुआ हूं आपके लिए एक नया वीडियो, नए कंसेप्ट, नए टॉपिक्स के ऊपर लेके। जी हां, और मेरा आज का वीडियो है न्यू वे ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी, यानी कि अंडर जीएसटी 49 सेक्शन ए एंड 49 सेक्शन बी के अंतर्गत जो नई एडजस्टमेंट आई है आईटीसी की, किस तरह से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडजस्टमेंट करेंगे, आज मैं अपने इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मेरा वीडियो देखने से पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा, ताकि हमारे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट ने अंडर जीएसटी एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 49A और 49B में जो अमेंडमेंट किए हैं, उसके अंदर जो बताया गया कि किस तरीके से आप जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट के एडजस्टमेंट करेंगे। चलिए जानते हैं कैसे करेंगे ये एडजस्टमेंट। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि किस तरह से न्यू एडजस्टमेंट जो आई है आईटीसी की अंडर सेक्शन 49 और 49B में जीएसटी के अंतर्गत किस तरह से होगी, एक एग्जांपल से भी समझेंगे हम इसको। तो हमारा आज का जो टॉपिक्स है वो यही है, न्यू एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी अंडर जीएसटी अंडर सेक्शन 49A एंड 49B। तो फ्रेंड्स, किस तरह से होगी इस अंडर सेक्शन 49A 49B के तहत आईटीसी के एडजस्टमेंट, आज हम इसी को समझेंगे एक एग्जांपल से, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पहले हम किस तरह से अपनी आईटीसी को एडजस्ट करते थे अपनी टैक्स लायबिलिटी में से, और अब हम कैसे करेंगे। तो इसी को थोड़ा सा समझना है कि जो गवर्नमेंट ने अभी जो नया रूल फॉलो किया है वो आईटीसी के एडजस्टमेंट का किस तरीके से है। तो हम इसको सबसे पहले एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ तीन तरह के हम टैक्स ले रहे हैं, IGST, CGST, STST, और अगर हमारा कोई सेस है, यही सेस है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेस नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हम सेस के हमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हम ही तीनों को एडजस्ट करना सीखेंगे। तो 49 और 49B में क्या अमेंड किया गया है उसी को देखेंगे। हम ये मान लेते हैं कि इन तीनों की जो हमारी आउटपुट टैक्स है, सपोज जो हमारा इन तीनों में आउटपुट टैक्स जो भी बना है टैक्स लायबिलिटी को कितनी है, मान लेते हैं IGST में मेरा 100 है, CGST में मैंने मान लिया मेरा जो आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी है वो 70 रुपीज है, और SGST में मेरी 70 रुपीज है। ये मैंने अपनी तरफ से एक डाटा लिया है कि IGST और CGST और SGST में मेरी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो कुछ इस तरह से है। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारा, सपोज मान लीजिए मेरा ITC कितना पड़ा हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा करंट ITC है, यानी कि उसी मंथ का जिस मंथ की हम एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो करंट ITC जो मेरा है मैं मान लेता हूँ, IGST में मेरा जो ITC पड़ा है, यानी कि मैंने जो बाहर से परचेज की उस दौरान जो मैंने टैक्स पे किए हैं, उसका जो मेरा इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है वो मेरा IGST में मान लिया मेरा यहाँ 150 है, 150, और CGST में मान लिया 50, और SGST में भी 50। तो ये मेरा जो है करंट ITC। अगर कोई ITC मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ITC ब्रॉड फॉरवर्ड, यदि कोई पीछे से मेरा फॉरवर्ड हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे उसका अमाउंट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि तो मैंने अपनी तरफ से नील लिखा। तो मेरा जो अब ये जो टोटल ITC आएगा, जो मेरा टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो होगा 150, 50 एंड 50। फ्रेंड्स, ये मेरा मैंने ITC का टोटल दिया है केवल, नॉट आउटपुट टैक्स। तो ये मेरा जो अलग से मेरा आउटपुट टैक्स से ये मेरा अलग है, केवल मैंने यहाँ पे ITC का टोटल दिया है 150, 50 एंड 50, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ITC का बॉर्ड फॉरवर्ड है कुछ भी नहीं दिया, ऐसे मेल रखता है। तो इन दैट केस मेरा टोटल ITC यहाँ IGST में 150, CGST में 50 और SGST में 50 रुपये मिलता है। अब अगर मैं इस डाटा को लेकर आगे एडजस्टमेंट करूँ तो किस तरह से करूँगा, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही तीन कॉलम अपने ले लूंगा, IGST, CGST, SGST। अब इसमें से मैं सबसे पहले यही आउटपुट टैक्स को यहाँ वापस लिखूंगा। तो ये मेरा जो आउटपुट टैक्स है जो मुझे पे करना है वो कितना है, सबसे पहले हम यहाँ उतार लेंगे, तो मेरा आउटपुट टैक्स है IGST में
₹100 था, तो मैं अभी इसे दोबारा से नीचे उतार रहा हूँ। CGST में मेरा 70 था और SGST में मेरा 70 था। अब मुझे इसको फ्रेंड्स पूरी तरह से एडजस्ट करना है इसमें अपने ITC को, और मेरा ITC यहाँ पे मैंने बताया GST में 150 है, CGST में मेरा टोटल ITC 50 है और SGST में यहाँ पे मेरा 50 है। अब इस ITC को मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। तो सबसे पहले हम लेस करेंगे अपना ITC, और फ्रेंड्स ITC को लेस करने से पहले मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये कि जो अंडर सेक्शन 49A 49B के तहत जितनी भी एडजस्टमेंट होनी है ITC की, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो रखी गई है वो IGST को रखा गया है। जी हाँ, यानी कि IGST का जितना भी इनपुट है और उसका जितना भी आउटपुट टैक्स है, उन दोनों को पूरी तरह से खत्म करना ही इस अंडर सेक्शन 49A और 49B में इसका पूरी तरह से इसी बात का ध्यान रखा गया है कि सबसे पहले टैक्स की जब एडजस्टमेंट की जा रही है, स्पेशली ITC की जब एडजस्टमेंट की जा रही है, उसमें सबसे पहले हमें IGST का इनपुट और उसका आउटपुट पूरी तरह से खत्म करना है। यही इस एडजस्टमेंट में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ITC में जब लेस करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया IGST का हम जितना भी हमारा इनपुट टैक्स है उसको हम लेंगे, तो IGST में जो मेरा ITC पड़ा हुआ है वो है मेरा 150 का, यानी कि इनपुट टैक्स का एक मेरा 150 का है, तो उसको मेरे को सबसे पहले एडजस्ट करना है। और उसमें भी एडजस्टमेंट करते समय सबसे पहले मुझे IGST का जितना मेरा इनपुट पड़ा है, आउटपुट टैक्स पड़ा है, उसको खत्म करना है। तो यहाँ मैं ITC में जो मेरा 150 है, इसके अंदर मैं जो है सबसे पहले 100 जो है मैं IGST का आउटपुट खत्म करूंगा, यानी कि इस 150 के ITC को मैं सबसे पहले अपना IGST का आउटपुट टैक्स खत्म करने में इसका एडजस्टमेंट करूंगा। तो यहाँ मैंने ITC की जो एडजस्टमेंट करनी है, सबसे पहले मैं 100 मैंने कर दिया IGST में, जिससे कि मेरा IGST का आउटपुट निल हो गया। अब मेरे पास फिर भी IGST का इसमें से ₹50 मेरा क्रेडिट बचा हुआ है, जिसको मैं अब CGST में एडजस्ट करूंगा। यानी कि सबसे पहले मैंने अपने IGST का आउटपुट और IGST इनपुट दोनों को खत्म करना है। तो यहाँ मैंने IGST का जो यहाँ पे IGST का जो मेरा ITC था वो तो मैंने अपना आउटपुट उसका खत्म कर दिया, पूरी की पूरी एडजस्टमेंट मार दी, लेकिन अब भी मेरा IGST का इनपुट क्रेडिट बचा हुआ है। इसमें से 100 ही मैंने एडजस्ट किए हैं सिर्फ IGST की, क्योंकि 100 मेरी टैक्स लायबिलिटी थी, लेकिन अभी भी मेरा IGST का इनपुट क्रेडिट बचा हुआ है ₹50। अब जो बचा हुआ है अब मैं उसको एडजस्ट करूंगा अपने CGST का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से। तो यानी कि 100 मैंने इसमें से यहाँ कवर किया, अब जो मेरे 50 बच गए वो मैंने CGST में कवर करने हैं। तो यहाँ पे इस 49 और 49B का यही मकसद था कि जो एडजस्टमेंट हो रही है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके अंदर सबसे पहले IGST का जितना मेरा ये क्रेडिट है इसको खत्म करना, इसका इनपुट भी और आउटपुट भी। तो आउटपुट तो मैंने यही खत्म कर दिया पूरे IGST का 100 इसमें इंक्लूड करके, मैंने एडजस्ट करके अपना IGST का जितना मेरा आउटपुट था वो मेरा निल हो गया। लेकिन जो कि अभी IGST का आउटपुट निल हुआ है, इनपुट निल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ₹50 अभी रह गए थे, 100 ही एडजस्ट किए थे, 50 अभी रह गए। तो इस 50 को भी, यानी कि इसके इनपुट को पूरी तरह से खत्म करना है IGST के, तो इसके ₹50 को IGST के मैंने CGST में एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे आउटपुट भी खत्म हो गया और इसका इनपुट भी, यानी कि पूरा क्रेडिट 100+50 पूरा खत्म हो गया IGST का। तो यहाँ पे फ्रेंड जो देखने की चीज है कि SGST के लिए मेरे पास IGST में से कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि IGST मेरी 100+50 टोटल थी इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो मैंने पूरा एडजस्ट कर दिया है, तो SGST में मेरा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है IGST क्रेडिट। अब हमारा जो तीनों IGST CGST और SGST में जो कैरी फॉरवर्ड होगा, कितना क्रेडिट बचेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। IGST मेरा मैंने बताया कि निल हो गया है, क्यों? क्योंकि मैंने पूरी की पूरी एडजस्टमेंट कर दी, तो IGST का आउटपुट पूरा एडजस्ट कर दिया गया IGST के इनपुट के साथ। तो यहाँ पे अब IGST का जो क्रेडिट है वो मेरे पास निल है, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। अब अगर हम बात करें CGST के इनपुट की, तो CGST का ITC बचा है या नहीं, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स IGST मैंने सिर्फ एडजस्ट किया था, IGST का जो इनपुट एडजस्ट किया था वो ₹50 किया था, यानी कि अभी भी CGST क्या ₹20 जो है वो पे करना है।
सीजीएसटी का 20 रुपीज की जो टैक्स लायबिलिटी अभी पे करनी है। लेकिन क्योंकि सीजीएसटी का भी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सीजीएसटी का भी आईटीसी पड़ा हुआ है 50 रुपीज, सीजीएसटी का भी 50 रुपए मेरा पड़ा हुआ है आईटीसी, तो मैं अब जो 50 रुपए आईजीएसटी का एडजस्ट करने के बाद जो 20 रुपीज की टैक्स लायबिलिटी है वो मैं 50 में से एडजस्ट कर दूंगा जो मेरी सीजीएसटी की आईटीसी है। सीजीएसटी की जब आईटीसी में से मैं वो बचे हुए 20 भी एडजस्ट कर दूंगा तो अब मेरे पास उल्टा क्रेडिट बचेगा, आईटीसी बचेगी सीजीएसटी में। और कितनी बचेगी फ्रेंड्स, 50 मैंने यहां एडजस्ट कर दी, 20 मेरी अभी भी रह गई थी सीजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी, तो जो मेरी 20 रह गई थी उस 20 को मैंने अपने सीजीएसटी के जो बचे हुए आईटीसी उसमें एडजस्ट कर दिया। अब इसमें से मेरे जो है 30 रुपीज यानी कि यहां पे मेरा क्रेडिट बच गया, यानी कि सीजीएसटी का आईटीसी अब मेरे पास अभी इतना पड़ा हुआ है 30 रुपीज। अब बात करें, अब क्योंकि हम इसे एससीएसटी में तो एडजस्ट कर नहीं सकते क्योंकि ये सीजीएसटी का हमारा क्रेडिट बचा हुआ है, और आपको मैंने अपने आईटीसी की वीडियो में बताया था कि सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में एडजस्ट नहीं कर सकते और एसजीएसटी का सीजीएसटी में नहीं कर सकते, तो इसलिए जो 30 रुपीज क्रेडिट पड़ा है ये अब मेरा पड़ा ही है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन मैं इससे एसजीएसटी में एडजस्ट नहीं कर सकता। तो चलिए अब बात करते हैं हम, ये तो मेरी बात हो गई सीजीएसटी, ये सीजीएसटी की फ्रेंड्स बात करें तो सीजीएसटी में मेरा जो है क्रेडिट जो मेरा पड़ा हुआ है वो है 30। अब हम बात करते हैं एसजीएसटी की, तो यदि मैं एसजीएसटी की बात करूं तो एसजीएसटी के अंदर हम देखेंगे जो एसजीएसटी में एडजस्टमेंट थी वो हमारी थी 70 का मेरा आउटपुट था और 50 रुपीज इसमें से एडजस्ट कर दिए, जो भी एसजीएसटी का हमारा जो बचा हुआ था यानी कि आईटीसी जो मेरा बचा था एसजीएसटी का वो 50 रुपीज था टोटल, वो मैंने एडजस्ट कर दिया। और जैसे ही मैंने इसको एडजस्ट किया तो फ्रेंड्स मेरे पास 20 रुपीज की टैक्स लायबिलिटी निकल आई। अब आप यहां पे देखेंगे ये न्यू वे टैक्स एडजस्टमेंट में आईटीसी के क्या चीज का नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, किस तरह से एक टैक्स पेयर को थोड़ी दिक्कत आने वाली है, वो इस तरह से कि देखिए यहां पे सीजीएसटी का मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है। जी हां, 30 रुपीज का मेरे पास अभी आईटीसी का क्रेडिट पड़ा हुआ है, लेकिन एससीएसटी में 20 रुपीज की भी टैक्स लायबिलिटी पड़ी हुई है, तो टैक्स लायबिलिटी पड़ी हुई है और मेरे पास क्रेडिट भी बचा हुआ है, उसके बावजूद भी मुझे अब इस 20 रुपीज को पे करने के लिए अलग से कैश लेजर अपना प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि इसकी मुझे अलग से पेमेंट करनी होगी क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, यानी कि क्रेडिट होते हुए भी मुझे दोबारा से इस 20 रुपीज की टैक्स पेमेंट अपने करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत नेगेटिव फैक्ट है, और ऐसा सरकार ने सिर्फ ये कह सकते हैं कि अपने कुछ फायदे के ही लिए ऐसा किया है, और उसका मेन मकसद ये भी था कि लोग फर्जी बिल ना बना पाए। जी हाँ, क्योंकि अभी देखने को आया था कि कुछ क्षेत्रों में, कुछ इलाकों में जैसे नोएडा या गाजियाबाद जैसे कुछ इलाकों में गवर्नमेंट ने छापा मारा, उसमें देखा कि कुछ लोग फर्जी बिल बना के आईटीसी की क्रेडिट की चोरी कर रहे थे, और वो पूरी तरह से आईटीसी उन्होंने जो है अवेल कर लिया और वो इनवाइस पूरी तरह से फर्जी थे। तो इस तरह गवर्नमेंट ने ये नई जो एडजस्टमेंट निकाली आईटीसी की अंडर सेक्शन 49A 49B की, इनका मेन मकसद यही है कि कोई फर्जी बिल ना कर पाए। और दूसरी चीज़ आईजीएसटी, क्योंकि जो इसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, इसका जो अमाउंट होता है, ये हम ये कह सकते हैं कि तरह का ये टेम्परेरी हमारी पिगी है गवर्नमेंट की, जिसमें पैसा पड़ा तो है लेकिन इसे पूरी तरह से इसका गवर्नमेंट रिफंड दे देती है, तो इसलिए इस पैसे को जितना जल्दी हो सके सरकार चाहती है कि आप अपने आईजीएसटी के या जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है सीजीएसटी एसजीएसटी उसमें आप एडजस्ट करके इस पूरे आईजीएसटी के इनपुट को और आउटपुट को आप यहां पे जीरो कर दें। इसीलिए इस न्यू अंडर सेक्शन 49A 49B में ये अमेंडमेंट की गई, जिसमें सिर्फ मैंने आपको छोटा सा एक फर्क बस ये बताया कि थोड़ा सा जो फर्क पड़ेगा वो किनको पड़ेगा और किस तरह पड़ेगा। वो पड़ेगा इस तरह से कि हमारे पास 30 रुपीज की यहाँ पे
सीजीएसटी की आईटीसी का क्रेडिट पड़ा है, उसके बावजूद भी हमें एसजीएसटी का 20 रुपीज की टैक्स लाइबिलिटी अलग से कैश लेजर के थ्रू पे करनी पड़ेगी। ये एक यहाँ पे है कि क्रेडिट होते हुए भी हमें दूसरी तरफ उसका टैक्स लाइबिलिटी को पे करना पड़ रहा है, यही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड। और लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 30 रुपीज आपके बेकार हो गए, 30 रुपीज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आईटीसी आपका नेक्स्ट मंथ के लिए। और इसका एक सबसे जो बड़ी चीज वो ये है कि इससे जो लोग बाहर यानी कि दूसरे स्टेट से माल खरीदते हैं और दूसरे स्टेट में माल बेच देते हैं उनके ऊपर इसका कोई खास असर रहने वाला नहीं है। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि किस तरह से आईटीसी की एडजस्टमेंट होगी न्यू अंडर जीएसटी एक्ट कह सकते हैं सेक्शन 49A एंड 49B में। तो फ्रेंड्स तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक पर फॉरवर्ड करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।